तो पंटर लोगों, तुम्हारा फिर से स्वागत है कार्स फॉर इंडिया में। हाल ही में लॉन्च हुई नई स्कॉर्पियो एन ने तो कतई बवाल काट रखा, बोले तो तहलका मचा डाला। और स्कॉर्पियो एन की वजह से जिसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा भूचाल आया वो है टाटा सफारी। बात तो सही है। क्योंकि अब मुकाबला बराबरी का है बिडू, सीधा हाथापाई है इन दोनों में। लेकिन अपुन को लगता कि जो नई स्कॉर्पियो एन है ना, वो सफारी पर भारी पड़ जाएगी। ऐसे बहुत से कारण है भाई जिनके हिसाब से सफारी को कड़ी टक्कर मिलते दिख रही। जैसे स्कॉर्पियो एन का साइज सफारी से बड़ा होने का, ज्यादा चौड़ी, ऊंची और यहाँ तक कि सिर्फ 1 mm लंबी। हालांकि सफारी में एक अच्छी बात यह है कि सेकंड रो की सीट्स को सरका के जगह बनाने का इंतजाम है, जो स्कॉर्पियो एन में तो नहीं मिलता। बाकी बूट स्पेस के नाम पे दोनों में ही घंटा मिलने का। फीचर्स के मामले में दोनों SUVs की जबरदस्त घुसंडबाजी देखने को मिलेगी, जहां बहुत से फीचर्स दोनों में कॉमन होने का, तो उन्हें बता के टाइम क्यों खोटा करना। इसलिए अपुन लोग बात करेंगे सिर्फ उन फीचर्स की जो दोनों में या तो अलग होना मांगता या फिर एक दूसरे से बेहतर। स्कॉर्पियो में 8 इंच का टच स्क्रीन, आज्ञाकारी एलेक्सा, एड्रिनो एक्स वाली कनेक्टिविटी और अगर ड्राइवर को नींद आ जाए तो उसको जगाने का भी इंतजाम महिंद्रा ने अपने ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन के जरिए कर दिया। सोनी का 12 स्पीकर वाला भयंकर साउंड सिस्टम म्यूजिक के शौकीनों की मौज दिला दे। और गुद्दी बाहर निकालने के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया रे। वहीं अगर बात हो सफारी की तो इसमें थोड़ा सा बड़ा 8.8 इंच का टच स्क्रीन, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, आयरा कनेक्टेड कार और बड़ा सा हवादार पैनोरामिक सनरूफ भी मिलने का, जो गाड़ी में खुलेपन का एहसास कराएगा। वहीं गाने का मजा लेने के लिए 9 JBL स्पीकर का इंतजाम है बिडू। इनके अलावा सफारी में रेन सेंसिंग वाइपर और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी है, जो स्कॉर्पियो में तो नहीं मिलता भाई। अब अगर सुरक्षा इंतजाम देखें तो स्कॉर्पियो एन और सफारी दोनों में ही 6 सुरक्षा फुग्गे आपकी सुरक्षा में तैनात होने का। बाकी ESP, ABS और हिल कंट्रोल भी मिलेंगे। लेकिन सफारी से एक कदम आगे निकलकर स्कॉर्पियो एन में फ्रंट पार्किंग सेंसर और फ्रंट कैमरा भी शामिल कर दिया। और भाई लोगों, जिस खेल में स्कॉर्पियो एन ने सफारी का पासा ही पलट दिया वो है इंजन। जहां सफारी को खींचने का काम सिर्फ डीजल इंजन पे थोपा है, तो स्कॉर्पियो एन में डीजल के साथ पेट्रोल इंजन का भी विकल्प खुला है। अगर तुलना भी करें तो स्कॉर्पियो का डीजल इंजन दमखम के मामले में सफारी से ज़्यादा बवाल है बिडू। सिर्फ इतना ही नहीं, महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन में 4x4 की क्षमता देकर उन फरियादियों की झोली भरने का काम किया जो ना जाने कब से सफारी में 4x4 के लिए धरने पे बैठे थे। हमारी मांगे पूरी कर। लेकिन टाटा को इनसे घंटा फर्क ना पड़ा, जिसका खामियाजा अब टाटा को शायद भुगतना पड़ सकता है। कीमतों के हिसाब से भी इन दोनों में स्कॉर्पियो एन ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन बनकर आई। हालांकि अभी इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स और फोर व्हील ड्राइव की कीमतों का खुलासा नहीं हुआ बिडू। लेकिन अभी जो भी वेरिएंट्स है ना, वो तो अपने को सफारी की तुलना में सस्ता ही लग रहा। अब इसमें कोई लोचा ही नहीं कि स्कॉर्पियो एन सफारी से ज्यादा फाड़ू पैकेज है। हाँ, लेकिन अगर तुमको सिर्फ लग्जरी और लुक से मतलब है तो सफारी वहाँ आपको बुला रही। अपने को तो लगता कि स्कॉर्पियो एन ना सिर्फ सफारी बल्कि एल्केजार, इनोवा, फॉर्चुनर और यहाँ तक कि अपने ही घर की XUV 700 का भी गेम बजा देगी। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि स्कॉर्पियो एन इन सब का खेल कर देगी या नहीं, इस बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर पेलने का। जय हिंद।